आके घूरो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। आइए आपके लिए बनाए हमने पोहा चिवड़ा। ये देखिए जो दीपावली पे बनाते हैं ना, वो मैंने आज बनाए। तो आप लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि रेसिपी कैसे बनती है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। वीडियो को पूरा देखे आपको सभी पूरा रेसिपी इसमें समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस रुको। तो गाइज यहाँ पर हम बना रहे हैं ये वाला, देखो इसको क्या बोलते हैं आप, हम इसको बोलते हैं अटकुल चुड़वा, चुड़वा बोलते हैं इसको, जिसको दगड़ी पोहा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं दोस्तों, ये है देखो, यहाँ पर नाम भी है राइस फ्लैक्स। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 किलो ये वाले सफ़ेद पोहा। तो यहाँ पर 2 किलो ले लिया है दोस्तों। इनको फ्राई करने से पहले हमें इसका मसाला तैयार करना होता है, ताकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर मसाला मिलाना इजी रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको सूखा नारियल लेना है 1 वाटी, जिसको आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके ले लें। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके लिए मसाले क्या क्या आएंगे। तो मैंने यहाँ पर पोहा लिया है 2 किलो। तो 2 किलो पोहा के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है 60 ग्राम मिर्ची पाउडर, रखो यानी कि ये 1/4 कप है ना, इस तरह के 2 कप लेने हैं, ले लो। हाँ ये हो गया। रेड चिल्ली पाउडर ये मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों, एवरेस्ट कंपनी का। इसके बाद में हमें लेना है यहाँ पर 100 ग्राम नमक लेना है, हाँ ले लो, और एक बार डालो। ये नमक हो गया, और अब हमें लेना है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, वो 1/4 कप, 1 कप लेना है। और अब यहाँ पर हम ले रहे हैं टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, वो भी 1/4 कप है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर एक और मसाला डाला जाता है, वो है पीटी साकर यानी कि शुगर पाउडर। तो उसकी जगह वो हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम तीखा ज़्यादा खाते हैं यहाँ पर, तो मीठा नहीं बनाना ही। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर लिया है आमचूर पाउडर, जो कि एक खट्टा मीठा स्वाद आएगा, ये भी 1/4 कप है। अब हमें इन सभी मसालों को कर देना है अच्छे से मिक्स। ये देखो, ये अभी इस पोहा नमकीन के लिए मसाला पूरा अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और बाकी की जो भी डिटेल्स है देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हमें इस पोहा चिवड़ा को फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर तेल का टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि तेल गर्म है, तेल के ऊपर से भाप निकल रही है। तो आप इसमें भी समझ आइए कि तेल के ऊपर से भाप आनी चाहिए, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। और अगर मैं सेल्सियस बताऊं तो 180 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका होना चाहिए। और तेल देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बढ़िया साफ ऑयल है, मेरी कढ़ाई ब्लैक कलर है, इसीलिए लोहे की कढ़ाई, इसीलिए ऑयल भी काला दिखता है। मैं हर वीडियो में इस बात को मेंशन करता हूँ। तो चलिए अब हम पोहा फ्राई करते हैं। पोहा फ्राई करने के फ्राई करते ही डायरेक्ट हम इस कढ़ाई के अंदर लेंगे, बड़ी कढ़ाई मैंने यहाँ पर रखी है, जिसमें हमें इसमें मसाला करने में एकदम आसानी रहेगी। हाँ तो अभी हम देख सकते हैं पोहा डाल दिया। पोहा डालने के तुरंत बाद देख सकते हैं, जैसे ही पोहा दिखने लगते तेल में बाहर ले ले तुरंत, इनको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, वरना आपके जो पोहे हैं दोस्तों जल जाएंगे यहाँ देख से। और डायरेक्ट आपको डालने हैं इस वाली कढ़ाई में, इस तरह के बर्तन में, ले लो तुरंत बाहर ले लो। बस जैसे ही तेल देख सको, तेल डिफ्राई, पूरा तेल बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा तेल इसके अंदर रहने देना है और डायरेक्ट बाहर ले लेना है, आने दो। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सी तेल की मात्रा रहेगी, जिससे क्या होता है ना, हम जो मसाला करेंगे ना वो अच्छी तरह से पोहे के ऊपर चिपक जाएगा। फिर से एक बार दिखाता देता दोस्तों, पोहा डाल दिया, देखिए डाल दिया, तेल एकदम ऊपर आ जाता है, वापस तेल नीचे बैठ जाएगा, पोहा ऊपर दिखने लगेगा, तुरंत आपको इसे बाहर ले लेना है, क्योंकि पोहे बहुत ही जल्द मात्र 2 या 3 सेकंड में ये फ्राई हो जाते हैं, अगर तेल अच्छा बराबर गर्म रहा तो। नहीं तो अगर ठंडे तेल में डालोगे तो पोहा क्या होता है ना, अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा और पूरा तेल कट हो जाएगा। बस ठीक है, उस बर्तन में डाल देना है। ये देखो दोस्तों, तो इस तरह से आपको करना है इन पोहों को फ्राई। ये देखिए
ये देखिए कितना अच्छा एकदम बढ़िया तरीके से पोहा फ्राई हो गया। तो दोस्तों अब हम इनको पूरा फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में मसाला कैसे ऐड करना है वो हम आपको ट्रिक दिखाएंगे। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि वाइट पोहा, ये जो पोहा है इनको फ्राई करने के लिए तेल हमेशा एकदम अच्छा साफ ऑयल यूज़ करें, ताकि पोहे जो कलर एकदम वाइट रहेगा, नहीं तो पूरे पोहे जो है ब्लैक कलर हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम हमारी पोहा नमकीन के लिए टेस्ट के लिए यहाँ पर ये मीठे नीम के पत्ते हैं, इसको कड़ी पत्ते बोलते हैं, इनको भी हमें फ्राई करके ले लेना है। हाँ बस हो गए, तुरंत बाहर ले लें इस तरह से। तो हमने पूरा पोहा जो है फ्राई कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर मसाला ऐड करेंगे। और ये यहाँ पर देख सकते हैं सूखा नारियल का हमने इस तरह से कद्दूकस थोड़ा बारीक करके लिया है, इसको भी हमें इसके तेल के अंदर डीप फ्राई कर लेना है। और जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इनको भी बाहर लेके पोहा के अंदर ऐड कर दे। ये देखिए तो खोपरा भी अच्छे से फ्राई हो गया, चलिए हम इसको ऐड करते हैं। और ये है दोस्तों मूंगफली सिंग दाने जो फ्राई किए हुए हैं, तो ये तो आपको मालूम है कैसे फ्राई करना है, इसको भी हम पोहा के अंदर ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप बताते हैं मसाले का। तो यहाँ पर हमने ये हल्दी ली है दोस्तों, ये कच्ची हल्दी है दोस्तों, हम मसाले के ऊपर ये पोहे के अंदर ऐड कर रहे हैं। पोहा गर्म है तो इसके साथ में जो हल्दी जो है ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, और इसका जो कलर है वो भी अच्छी तरह से बढ़िया आएगा। और इसके बाद में हम इसका मेन मसाला ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं पोहे का जो कलर है एकदम अच्छे तरह से येलो हो गया है हल्दी डालने से। और अब हम इसके ऊपर मेन मसाला जो हमने बताया था वो वाला हम ऐड करेंगे। तो इसका जो ट्रिक है मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये और एक ये दो चम्मच लिए हैं, तो दोनों हाथ से चम्मच को चलाते हुए मसाला जो है एक हाथ से थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो इस प्रोसेसिंग को भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब हम मसाला ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा, ये देखिए इस तरह से मसाला करना है, जिससे क्या होता है ना जो पोहा नमकीन है बढ़िया तरीके से मसाला मिक्स हो जाएगा इसमें। ये देखिए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से ये नमकीन जो है पोहा हमारा पोहा चिवड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, तो ये हमारे पोहे जो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस रेसिपी को आप बना के देखिए, ये जो पोहा है बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है बनाने का। तो दोस्तों नज़दीक आइए, मैं आपको इसका एक क्लोज लुक देता हूँ। ये देखिए, देखा आपने कितना बढ़िया एकदम मसालेदार पोहा बनकर तैयार हो गया। तो इधर लाइए थोड़ा कैमरा हमारी तरफ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। इसी तरह हमारे हर रेसिपी को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।